बच्चों इस चैप्टर से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं ना वो मैंने लिख दिए। अगर ये क्वेश्चन कर लोगे तो इसी से मिलते जुलते क्वेश्चन आएंगे, वो भी आप लोगों को अच्छे से कर लेना है, ठीक है। तो फालतू का टाइम वेस्ट नहीं करते, सीधा क्वेश्चन पे आते। जो सेकंड चैप्टर है इसका जो पहला क्वेश्चन है लिखा, एक द्विघात बहुपद, ये हमें एक इक्वेशन दे रखी है का एक शून्य दो है। शून्य को हम लोग अल्फा बीटा भी कह सकते हैं या इसका सोल्यूशन भी कह सकते हैं। तो ये एक इक्वेशन है, इसका शून्य दे रखा है, के का मान निकालना है। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, करना है कैसे, आपको सबसे पहले इक्वेशन ले लेनी है, एक्स स्क्वायर थ्री एक्स प्लस के इक्वल टू जीरो रख देना है। अब ये जो शून्य दो दे रखा है, ये शून्य हमेशा x की वैल्यू होती है, तो x किसके बराबर है, दो के बराबर है। यहाँ हम इस क्वेश्चन में x की जगह दो रख देंगे, तीन की जगह तीन, x की जगह दो रख देंगे, k की जगह k रख देंगे, इक्वल टू जीरो। जो भी शून्य दिया होगा वो हमेशा x की वैल्यू होगी, या फिर उसको अल्फा और बीटा भी बोल सकते हैं। अब दो का स्क्वायर कितना हो जाएगा, चार, तीन दूनी कितना आ जाएगा, छह, के की जगह के इक्वल टू जीरो, छह चार कितना हो गया, दस, प्लस में के इक्वल टू जीरो, प्लस का टेन इधर आएगा तो बन जाएगा माइनस का टेन। तो जो हमारा के का सॉल्यूशन है वो निकल के आ गया माइनस टेन। तो ये फर्स्ट का आंसर कंप्लीट हो गया। सेकंड क्वेश्चन पढ़ते हैं, कह रहा है एक द्विघात बहुपद का शून्य माइनस तीन और चार है, इसको हम फिर से एक्स के नाम से भी लिख सकते हैं या अल्फा बीटा के नाम से भी लिख सकते हैं। तो जो क्वेश्चन नंबर दो है इसमें कह रहा है शून्य माइनस तीन है और चार है, मतलब कि अल्फा बराबर माइनस तीन हो गया और बीटा बराबर चार हो गया। हमें क्या निकालना है, इसमें समीकरण बताना है। समीकरण देखो कैसे बताओगे, सबसे पहले अल्फा और बीटा दे रखा है तो हमारे पास एक इक्वेशन का फॉर्मूला होता है। देखो ये तरीका सबसे इजी वाला है, अल्फा प्लस बीटा ब्रैकेट बंद, यहाँ पे आ जाएगा अल्फा और बीटा, ये फॉर्मूला है इक्वेशन बनाने का। अगर आपको अल्फा बीटा मालूम हो, इस क्वेश्चन पे अल्फा माइनस तीन है बीटा चार है, इक्वेशन बनाने का फॉर्मूला ये रहा। तो एक्स स्क्वायर की जगह तो एक्स स्क्वायर रख देंगे, अल्फा की जगह रख देंगे माइनस तीन, बीटा की जगह रख देंगे चार, ब्रैकेट क्लोज, एक्स की जगह एक्स। अब अल्फा बीटा की मल्टीप्लाई करनी है तो माइनस थ्री इंटू में फोर, तो यहाँ जाएगा एक्स स्क्वायर, यहाँ प्लस माइनस माइनस, तो यहाँ पे चार में से तीन गया एक बचेगा एक एक्स, और यहाँ जाएगा प्लस माइनस माइनस, चार दिया बारह। अब यहाँ जो एक एक्स को लिखते नहीं है तो यहाँ मैंने मिटा दिया, ये हमारी इक्वेशन बन गई। अगर इसको मैं सोल्व करके दो आंसर निकाल लूं तो इसके आंसर वही निकलेंगे माइनस थ्री और फोर। तो ये क्वेश्चन नंबर टू का सोल्यूशन है। इसको करने का एक और तरीका है, या तो हम ये वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए, और अल्फा बीटा इक्वल टू सी अपॉन ए। ये वाला फॉर्मूला कैसे यूज करना, अभी कोई क्वेश्चन होगा आगे तो वो मैं समझा दूंगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर दो भी हमारा हो चुका है, अब हम क्वेश्चन नंबर तीन को पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर तीन में बहुपद लिख के ये एक इक्वेशन दे दी है, ये ठीक है, ये एक इक्वेशन दे दी है। इस इक्वेशन के शून्य अल्फा और बीटा है, मतलब इसका जो आंसर होगा वो एक अल्फा होगा और एक बीटा होगा, और हमसे कह रहा है अल्फा प्लस बीटा इक्वल है एक बटे, तो अल्फा बीटा हो तो के का मान बताओ क्या होगा। ऐसे क्वेश्चन आएंगे, बच्चे क्वेश्चन में अल्फा बीटा देख के डर जाते हैं, तो इसमें हमें डरना नहीं है। पहले तो मैं काम करता हूँ, इक्वेशन लिख लेता हूँ। इक्वेशन है एक्स की स्क्वेयर, इसके बाद है माइनस, यहाँ पे लिख देते हैं के प्लस सिक्स ब्रैकेट क्लोज, फिर यहाँ पे लिख दिया टू और ब्रैकेट में आ जाएगा टू के माइनस वन इक्वल टू जीरो। तो होता ही है अल्फा प्लस बीटा बराबर है एक बटे दो अल्फा और बीटा, ये मैंने क्वेश्चन लिख लिया, ठीक है। अब करेंगे कैसे, यहाँ कुछ नहीं है तो एक माना जाएगा, मतलब ये ए है, ये बी है और ये सी है, और हमें बोला अल्फा प्लस बीटा एक बटे दो अल्फा बीटा के, तो के कितना होगा ये बताओ। अब हमें फॉर्मूला याद रखना है, अल्फा प्लस बीटा हमेशा माइनस बी अपॉन में ए होता है, तो यहाँ रख दिया मैंने माइनस बी अपॉन में ए, एक बटे दो की जगह एक बटे दो। अल्फा बीटा, अल्फा बीटा किसके इक्वल होता है, सी अपॉन में ए, तो यहाँ आ जाएगा सी अपॉन में ए, ए से ए कट गया, तो माइनस बी बराबर वन बाई टू सी के इक्वल आ गया। अब इस दो को यहाँ से हटाऊंगा तो ये डिवाइड में था तो यहाँ मल्टीपल में आ जाएगा, तो माइनस टू बी बराबर आ गया सी। अब ए बी सी की वैल्यू यहाँ से देख के रख देंगे तो माइनस टू की जगह माइनस टू, ये जो बी है ये पूरा बी था ना, तो इस बी की जगह रख देंगे इंटू में माइनस, और यहाँ पे आ जाएगा के प्लस सिक्स, ठीक है भाई। अब इक्वल में सी, और सी की जगह रख देंगे टू और ब्रैकेट में आ गया टू के माइनस वन, माइनस माइनस क्या बन जाएगा प्लस, तो यहाँ प्लस का टू के कैसे करेंगे, टू के दो के छह से इंटू करेंगे तो छह दुनी बारह आ जाएगा, इक्वल टू दो दुनी चार के और दो एकम दो, यहाँ हमने कर लिया, ठीक है। माइनस माइनस के इंटू प्लस हो गई तो सारा ही प्लस में चेंज हो गया, टू के प्लस का फोर के इधर आएगा तो माइनस का फोर के बराबर माइनस टू, ये प्लस का बारह इधर लिया तो बन जाएगा माइनस का बारह। अब दो में से चार गया तो माइनस का टू के, प्लस माइनस तो है ही नहीं दोनों ही माइनस के, तो माइनस माइनस प्लस बारह और दो, बारह और दो हो जाएगा हमारा चौदह, तो माइनस का फोर्टीन, माइनस से माइनस कट गया, टू से फोर्टीन काट दिया तो के की वैल्यू आ गई सेवन, तो यहाँ हमारा के का आंसर आ गया सात। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पक्का आएंगे जिसमें अल्फा बीटा दिया होगा, उसमें कंफ्यूज नहीं होना, या तो ये फॉर्मूला यूज करना है या ये फॉर्मूला यूज करना है। अब जो क्वेश्चन नंबर थर्ड के बाद है क्वेश्चन नंबर फोर, ठीक है, हमें यहाँ पे एक इक्वेशन दे रखी है और अल्फा माइनस बीटा वन के बराबर है, तो कह रहा है एम की वैल्यू बताओ क्या होगी। तो देखो आंसर नंबर फोर में यहाँ पे करता हूँ, आंसर नंबर
फोर, ठीक है। यहाँ जो इक्वेशन है वो दे रखी है एक्स की स्क्वायर, फिर दे रखा है माइनस का 5x, फिर प्लस में दे रखा है m, और साथ में इसने बोला है अल्फा बीटा, अल्फा माइनस बीटा इक्वल है 1 के। अब इसमें m की वैल्यू निकालनी है, तो किस तरह निकालेंगे, सबसे पहले काम करेंगे, यहाँ मैं ये वाला फॉर्मूला यूज कर रहा हूँ, अल्फा प्लस बीटा इक्वल होता है माइनस बी अपॉन में ए, तो अल्फा की जगह अल्फा, बीटा की जगह बीटा, अब माइनस बी अपॉन में ए, तो ये बी है ये ए है, ये ए होता है ये बी होता है ये सी होता है, तो बी की जगह रख दिया मैंने माइनस फाइव और ए की जगह रख दिया मैंने ए, तो माइनस माइनस क्या बन जाएगा प्लस, तो अल्फा प्लस बीटा माइनस माइनस प्लस, तो अल्फा प्लस बीटा 5 के बराबर आ गया। अब यहाँ देखो भाई अल्फा माइनस बीटा, यहाँ हम सोल्व कर देते हैं, अल्फा माइनस बीटा इक्वल था 1 के, अल्फा प्लस बीटा ये इक्वल था 5 के, तो यहाँ अगर मैं इन दोनों को सोल्व करके इक्वेशन निकाल लू, ये अल्फा बीटा निकाल लू, तो माइनस 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 याद है ना विलोपन विधि थर्ड चैप्टर में, तो फिलहाल तो ये ए कैंसिल हो गया, माइनस माइनस प्लस, तो ये हो जाएगा 2 अल्फा, 5 में से एक गया माइनस का 4, माइनस से माइनस कट गया 2 दूनी 4, तो बीटा की वैल्यू कितनी आ गई 2। अब बीटा की वैल्यू अगर मैं इसमें रख दू अल्फा माइनस बीटा बराबर 1, ठीक है भाई, तो यहाँ क्या करना है मुझे, अल्फा की जगह मालूम नहीं, बीटा की जगह 2 इक्वल टू 1, माइनस का 2 उधर जाएगा तो क्या बन जाएगा प्लस का 2, तो 2 और 1 कितना आ जाएगा 3, तो अल्फा बीटा तो मेरे निकल के आ गए। क्वेश्चन में उसने कहा था एम की वैल्यू बताओ, अब ये ए है ये बी है ये सी है, तो मुझे सी निकालना है, तो ये फॉर्मूला यूज हो गया, मैं अल्फा बीटा वाला फॉर्मूला यूज करूंगा, तो मैंने यहाँ पे लिख लिया अल्फा बीटा इक्वल है सी अपॉन में ए, इसी क्वेश्चन में ये फॉर्मूला यूज करा, अल्फा की जगह क्या रखना है, अल्फा की जगह रखना है 3, बीटा की जगह क्या रखना है 2, सी अपॉन में ए, तो सी क्या जगह एम रख दिया, ए की जगह 1 रख दिया, क्योंकि ए हमारा 1 के बराबर था। अब बेटा इसको सोल्व करने के लिए यहाँ पे कितना बन जाएगा 3 दूनी 6 बराबर एम, तो एम की जो वैल्यू है वो कितने निकल के आ गई 6 निकल के आ गई, ठीक है, ये समझ में आया। तो ये क्वेश्चन थोड़ा लेंथी था लेकिन ये एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, दोबारा आने के चांस हो सकते हैं। मैं ये इक्वेशन दे रखी है, इसके शून्यक निकालने को बोलना है और जांच भी करना है, शून्यक मतलब इसका आंसर बताना है और आंसर को चेक भी करना है कि सही है या नहीं है, तो फटाफट में यहाँ पे क्वेश्चन लिख देता, क्वेश्चन था हमारा 6x² फिर -7x - 3। अच्छा इसके शून्यक निकालने, शून्यक निकालने के लिए हमें पहले तो इन दोनों की मल्टीप्लाई करनी होती है, तो 6 दिया कितना हो गया 18, अब 18 के फैक्टर करके 7 लाना है, तो मैंने 9 दुनी 18, 2 एकम 2, 9 में से 2 गया 7 आ गया ना, तो 7 मतलब 7 को हम लोग ऐसे भी ले सकते हैं 9 - 2, 9 में से 2 गया 7 आ जाएगा। अब इसके फैक्टर कैसे करेंगे, 6x² की जगह 6x², यहाँ 7 की जगह रख दिया -9x प्लस का 2x और -3, मैंने सिर्फ इस 7 को 2 पार्ट में डिवाइड कर लिया और एक बड़ी वैल्यू माइनस में छोटी वैल्यू प्लस में, तभी तो आंसर माइनस का 7 निकलेगा। अब 6x² माइनस का 9x प्लस का 2x और -3, इन दोनों में कॉमन चाहिए, इन दोनों में कॉमन एक तो 3 का टेबल, क्योंकि 3 के टेबल में 6 भी आता है 9 भी आता है, दोनों तरफ x है तो x भी कॉमन ले लिया। अब देखो 6 में से 3 कॉमन जा चुका है, तो यहाँ कितना बच गया 2, क्योंकि 3 दूनी 6, यहाँ x की स्क्वायर मतलब 2x थे, तो एक तो बाहर आ गया तो 1x अंदर बच गया, यहाँ 9 में से 3 बाहर जा चुका है, 9 में से 3 बाहर गया तो यहाँ पे बच गया 3, 3 दिया 9, और ये जो x था ये तो बाहर जा चुका है, तो यहाँ कुछ नहीं बचा। इन दोनों में क्या है कॉमन, कुछ भी नहीं, जब इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है तो 1 लिख देंगे और यहाँ पे लिख देंगे 2x - 3, ऐसा ही बता दिया। अब ये और ये सेम आता है, अब सेम आने के बाद मैंने इसको एक साथ लिख दिया, कॉमन फिर से लेके लिख दिया, अब जो बचा इधर क्या बचा 3x, इधर क्या बचा प्लस का 1, अब इसको 0 के बराबर रखेंगे, 2x - 3 = 0 और 3x + 1 = 0, माइनस का 3 इधर लाओगे तो प्लस का 3, और ये जो 2 था ये अपॉन में चला जाएगा, तो ये x की वैल्यू आ गई, यहाँ भी x की वैल्यू निकालूंगा, प्लस का 1 इधर आएगा माइनस, और ये 3 अपॉन में चला जाएगा, ये निकल के आ गई x की वैल्यू, तो ये हमारा अल्फा निकल के आ गया α = 3/2, और ये हमारा बीटा निकल के आ गया -1/3। अब ये चेक करेंगे, चेक करना है कि ये कैसे, ये जो हमारा आंसर आया सही आया गलत आया, तो इसको चेक करने के लिए सिंपल सा फॉर्मूला है अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन में ए, जो बार बार हम लोग लगा चुके हैं, और एक फॉर्मूला अल्फा बीटा इक्वल टू सी अपॉन में ए, ये फॉर्मूले में वेरीफाई अल्फा बीटा की वैल्यू रखे वेरीफाई कर लेना, अगर सेम आ जाता है तो ये इसके फैक्टर सही निकले होंगे, ठीक है, मैं अभी इसको आगे नहीं कर रहा, आप लोग चेक करके बताना मुझे क्या आएगा इसका आंसर। फिर इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है, एक इक्वेशन मुझे फिर से दे रखी है और ये क्वेश्चन थोड़ा छोटा होगा, ठीक है, क्वेश्चन नंबर छह में दे रखा है 7x² - 2x + 5, ठीक है भाई, इक्वेशन दे रखी थी कि शून्यकों का योग ज्ञात करो। देखो इसको करने के 2 तरीके, पहला तो इसके शून्यक निकाल लो, इसके आंसर निकाल लो, 2 आंसर निकलेंगे, इन दोनों की मल्टीप्लाई करके बीच वाला फैक्टर बना के ले आएंगे, अल्फा बीटा निकल के आ जाएगा। लेकिन एक दूसरा तरीका भी, दूसरा तरीका यह है, इसने योग ही तो बोला है ना सम, तो हमें सम का फॉर्मूला मालूम है, सम का फॉर्मूला होता है सम मतलब योग, योग को हम लोग अल्फा प्लस बीटा बोलते हैं, जिसका फॉर्मूला होता है -b / a, तो यहां से फटाफट अगर मुझे इसका योग ही निकालना है
तो ए ये रहा, बी ये रहा, सी ये रहा, तो यहाँ माइनस की जगह माइनस, बी की जगह माइनस दो, ए की वैल्यू की जगह सात, माइनस माइनस प्लस, तो टू अपॉन में सेवन, ये डायरेक्ट आ गया हमारा सम, बिना फैक्टर निकाले इसका योग निकाल दिया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर छह के बाद क्वेश्चन नंबर सात में देखो, क्वेश्चन नंबर सात में भी ऐसे ही बोल रहा है कुछ। ठीक है भाई, क्वेश्चन नंबर सात यहाँ उतार देते हैं। इक्वेशन क्या दे रखी है, इक्वेशन दे रखी है एक्स स्क्वेयर माइनस टू एक्स प्लस वन, एक्स स्क्वेयर माइनस टू एक्स प्लस वन, और हमें कह रहा अल्फा बीटा बताओ क्या होगा। अब देखो दो तरीके हैं, या तो इसका पहले अल्फा बीटा निकाल लो, दोनों की मल्टीप्लाई कर दो आंसर आ जाएगा, लेकिन मैं तो ट्रिक से ही करने वाला हूँ, मैं फॉर्मूला यूज कर लूंगा सीधा, अल्फा बीटा इक्वल टू सी अपॉन में ए होता है, तो अल्फा बीटा की जगह अल्फा बीटा सी, ये ए हुआ, ये बी हुआ, ये सी हुआ, तो सी की जगह भी है, ए की जगह भी है, तो अल्फा बीटा अपॉन वाला वन नहीं लिखते तो वन आ गया, तो ये हमारा आंसर है, अल्फा बीटा इक्वल टू वन निकल के आ गया। ठीक है, अब जो अगला क्वेश्चन नंबर आठ है, ठीक है, ये प्री बोर्ड के पेपर में भी आया था बच्चों के, ये मुझे एक शेप दे रखी है जिसको पैराबोला बोलते हैं। ठीक है, अब इसके तीन पार्ट में क्वेश्चन है, पहला दूसरा और तीसरा। पहले पार्ट में बोला है, पहले पार्ट में बोला है बहुपद में कितने शून्य के, शून्य देखो जितनी बार एक्स एक्सिस को काटता है, एक्स एक्सिस को यहाँ पे काटा दो बार काटा, तो इसके कितने शून्य होंगे, दो, इसका आंसर आ गया दो। इस बहुपद के शून्य क्या है, शून्य मतलब अल्फा बीटा पूछ रहा है, तो यहाँ इसने दो पे काटा, यहाँ इसने चार पे काटा, तो इसका जो पहला आंसर है माइनस दो, दूसरा आंसर आ गया चार। तीसरा कह रहा है इस ग्राफ का समीकरण क्या होगा, देखो समीकरण मतलब इक्वेशन पूछ रहा है, इक्वेशन बनाने के लिए हम लोग फिर से वही वाला फॉर्मूला यूज कर लेंगे, एक्स स्क्वायर यहाँ पे आ गया अल्फा प्लस बीटा एक्स, और यहाँ पे आ गया अल्फा और बीटा, एक्स स्क्वायर की जगह एक्स स्क्वायर रख देंगे, अल्फा बीटा ये शून्य के होते हैं, तो अल्फा की जगह रख देंगे माइनस दो, बीटा की जगह रख देंगे चार, एक्स की जगह एक्स, अल्फा की जगह रख देंगे माइनस दो, बीटा की जगह रख दिया चार, एक्स स्क्वायर यहाँ रख देंगे चार में से दो गया दो एक्स, और प्लस माइनस माइनस चार दोनों कितना बन गया आठ, तो इसकी जो इक्वेशन बनेगी वो बनेगी एक्स स्क्वेयर माइनस टू एक्स माइनस आठ इक्वल टू जीरो, रखना चाहो तो रख सकते हो। ठीक है भाई, तो ये इसका सॉल्यूशन है, ऐसे ही और क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है आपको।